हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉबीज़ एट होम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही अनोखा तरीका जिससे कि आप पौधों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो छिलके होते हैं आपके किचन के, जैसे सब्जियों के छिलके, आलू वगैरह, फिर प्याज लहसुन वगैरह के छिलके या कच्ची पत्तियां भी चल जाती हैं, सूखा होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके नीचे ऐसे उन्हें कंपोस्ट बनने के लिए रख दिया है। फिर उसके ऊपर जो फंगिसाइड मैं बनाती हूँ, सूखे नीम के पत्तों का पाउडर मैं बना के रखती हूँ, वो मैंने थोड़ा डाल दिया है। उसके ऊपर सैंड और गार्डन सॉइल मिक्स करके डाला है। ये देखिए मेरा ये कटिंग था और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये कंपोस्ट धीरे धीरे नीचे बनता जाएगा और ऊपर तो मैंने गार्डन सॉइल और सैंड मिक्स करके दिया ही है। और ये करीब 1.5-2 महीने बाद तो जब कंपोस्ट बन जाएगा तो ये मिट्टी आपका पॉट का थोड़ा दब जाएगा, ऐसे नीचे दब जाएगा। तो आप ऊपर से एक मिट्टी का थोड़ा लेयर दे दीजिए ताकि ऊपर तक मिट्टी भर जाए और ये आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांट में डाला है। ये जैसे कि कटिंग है, वैसे तो कटिंग में ऐसे कच्चे छिलके वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन जो कि मैंने फंगिसाइड डाला है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके रूट्स ख़राब नहीं होंगे। और इसमें अभी तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 2.5 महीने पहले ही लगाया था और इसमें रूटिंग भी अच्छे से हो गया है, कोई फंगस वगैरह भी नहीं लगा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।